दोस्तों आज बॉक्स ऑफिस पे शैतान का तीसरा दिन है और ये फिल्म एक बहुत बड़े हिट की तरफ बढ़ रही है। ये फिल्म सभी को चौंका दी और बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ा बम फोड़ दिया है और अजय देवगन का ये आई थिंक 27वां हिट फिल्म है बॉक्स ऑफिस पे। बहुत बड़ा अचीवमेंट है अजय देवगन के लिए और मुझे लगता है ये फिल्म सुपर हिट या फिर ब्लॉकबस्टर भी हो सकती है अगर आने वाले दिन में ऐसे ही इस फिल्म का ट्रेंडिंग रहा तो। फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में धमाका कर दिया है, धमाल मचा दिया है दोस्तों, सुनामी ला दी है बॉक्स ऑफिस पे, चाहे अर्बन सेंटर में या फिर बी सेंटर में, हर जगह, बड़े शहर से छोटे शहर में, हर जगह दोस्तों इस वक्त पे शैतान का नाम दोस्तों गूंज रहा है। अजय देवगन के परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही है, आर माधवन की परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही है, विकास बहल जिन्होंने अभी लास्ट टाइम पे गणपत बनाई थी, आई थिंक कोई फिल्म बनाई थी टाइगर श्रॉफ के साथ जो कि बहुत बड़ी डिजास्टर रही थी, वही डायरेक्टर दोस्तों अजय देवगन के देखरेख में अगर फिल्म बनाते हैं तो फिर क्या कमाल की फिल्म बनाया है शैतान। पहले दिन 15 करोड़ 21 लाख फ्राइडे को सभी को चौंका दिया, सभी ने सोचा था कि 8 करोड़ 7 करोड़ की ओपनिंग होगी लेकिन 15 करोड़ 21 लाख की ओपनिंग हुई। ट्रेलर दोस्तों दमदार था इसीलिए इस फिल्म की ओपनिंग तगड़ी लगी। दूसरे दिन कमाई में 25-26% का उछाल देखा गया और 19 करोड़ 18 लाख ये फिल्म सैटरडे को कमाई, कल कमाई, दो दिन में 34 करोड़ 39 लाख इस फिल्म का बिजनेस हो गया और आज संडे है और आज ये फिल्म दोस्तों तहलका मचा दी है, आज सुनामी ला दी है महाराष्ट्र में दोस्तों। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस को कहते हैं ना कि तबाही लाना, जला देना, तो महाराष्ट्र में आग बरस रहा है। शैतान की ऑक्युपेंसी बहुत ज़बरदस्त है और आज 22 करोड़ का बिजनेस होगा, टोटल हो जाएगा 56 करोड़ 40 लाख। ये फिल्म अपने पहले वीकेंड में 3 दिन में कमा लेगी। अब मंडे को ये फिल्म कितना करेगी दोस्तों, 10 करोड़ 8 करोड़ अगर इस तरह का अगर कुछ बिजनेस हुआ तो फिर ये फिल्म निकल पड़ेगी और लंबी रेस का घोड़ा ये फिल्म साबित होगी। और जो लोग सोच रहे थे कि ये फिल्म नहीं चलेगी, फ्लॉप हो जाएगी, उनको एक करारा तमाचा मारा है इस फिल्म ने, अजय देवगन ने, जो उनके हेटर्स हैं उनको अजय देवगन ने करारा तमाचा मारा है कि भाई देख लो, बिना मांस मसाला के एक छोटी सी फिल्म बना के भी मैं बॉक्स ऑफिस को फोड़ सकता हूँ, और अजय देवगन ने एक बार फिर से साबित किया और ये कर दिखाया। तो आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, क्या आपने इस फिल्म को देखा है या नहीं देखा या देखने वाले हैं, कलेक्शन से कितना हैप्पी हैं, लाइफ टाइम कितना होगा आपको, क्या लगता है कमेंट करके लिख सकते हैं और बने रहें फिफ्थ न्यूज़ के साथ बॉक्स ऑफिस की सही जानकारी के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।